हेलो फ्रेंड्स, स्वाद अनोखा में आपका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है उसमें ना गैस जलाने का झंझट ना उबालने का झंझट, यूं ही झटपट तैयार होने वाली है। उसका नाम है आम पापड़। तो झटपट से बनाते हैं आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पीस आम, जिसे मैंने पहले से ही छील कर छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और 3/4 कप चीनी। अब आम और चीनी को एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आम अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, अब इसे एक छलनी की मदद से छान लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा और स्मूथ हो गया है। अब एक थाली लेंगे और उसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हमारा ब्लेंड किया हुआ आम थाली में फैलाएंगे। और इसको 2-3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे। आम पापड़ सूख गए हैं, अब एक चक्कू की मदद से इसे थाली से अलग करेंगे। अब इसे अच्छे से फोल्ड करके 1 दिन के लिए और सुखाएंगे। अब हमारे आम पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं। आप इसे ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, या फिर इन्हें छोटे छोटे पीस में काट के भी रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ये 2-3 महीनों तक ही खराब नहीं होते हैं। तो बनाइए अपने घर में भी आम पापड़ और लीजिए आम पापड़ का मजा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।